एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल, आप सभी का एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल पर स्वागत है और मैं हूं जय सिंह। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन ए, डी, ई और के होता है। ये आपको याद रखना है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो ए, डी, ई, के होता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कीड़ा, के डी के ई डी ए। अगला जो क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, बी और सी। अगला जो पॉइंट है, हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का यौगिक है, प्रोटीन का। तारपीन का तेल मिलता है चीड़ के वृक्षों से, चीड़ के वृक्षों से तारपीन का तेल हमको प्राप्त होता है। अगला जो पॉइंट है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम परखनली शिशु लुइस, इसका नाम भी पूछते हैं कि प्रथम परखनली शिशु का नाम बताइए, और जिसका जन्म जो है 25 जुलाई 1978 में हुआ था, आपसे पूछते हैं वो कहाँ हुआ था, तो वो इंग्लैंड में हुआ था। पहला जो परखनली शिशु था वो लुइस था और उसका जो जन्म हुआ था वो 25 जुलाई 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन, इसे न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे अगले पॉइंट में पूछ रहा है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है, तो अमीनो अम्ल के प्रकार जो है आपसे पूछ रहे हैं, तो 22 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं, यानी कि मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाता है, तो ये डीएनए पहुंचाता है, डीएनए। और अगला पॉइंट जो है, शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है, तो यह है आरएनए, आरएनए, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण जो है मुख्य कार्य जो है वो आरएनए करता है। अगला पॉइंट जो है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम में। अगला जो पॉइंट है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है, तो ये उसमें लोहा पाया जाता है, लोहा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, पुरुष के क्रोमोसोम्स पे जो है लिंग निर्धारण करता है, तो पुरुष के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं और महिलाओं के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं। तो जब XX मिलते हैं तो जो है फीमेल चाइल्ड बनता है, और XY जब मिलते हैं तो मेल चाइल्ड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य के शरीर में जल होता है, तो लगभग 65% मनुष्य के शरीर में जल होता है, 65%। अगला जो पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा, एनर्जी। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, तो 5 से 6 लीटर जो है सामान्य मनुष्य में रक्त होता है, और आधा लीटर, लगभग आधा लीटर कम होता है महिलाओं में, जितना पुरुषों में रक्त होता है उससे आधा लीटर कम होता है महिलाओं में। अगला जो पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे स्टपीज कहते हैं, और ये कान के पीछे होती है, कान के पीछे की हड्डी है ये, और इसे स्टपीज कहते हैं, आपको याद रखना चाहिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो ये फीमर होती है, ये जांघ की हड्डी है, और ये भी काफ़ी बार आपसे पूछा जा चुका है। शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, तो शरीर की वृद्धि में प्रोटीन सहायता करता है, प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि में रुकावट आती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत, लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 70 से 75 बार, और ऑप्शन कभी कभी 72 बार भी आपसे मिलता है, तो 72 बार बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है,
आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग होता है, तो कौन सा संवेदनशील अंग होता है? ये होता है रेटिना। यानी कि आंख के अंदर जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग होता है वो रेटिना होता है। अगला जो पॉइंट है, नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है, तो जो दाता है उसके आंख से क्या निकाला जाता है? तो कॉर्निया निकाली जाती है, कॉर्निया। कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, तो 23 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि रक्त जो है उसकी एक बूंद जो है शरीर का पूरा जो है पूरा चक्कर लगाने में शरीर का 23 सेकेंड का समय लेता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है, उसे एनमल कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा जा चुका है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो ये एनमल होता है। और ये दांत के ऊपर का जो भाग होता है वही है, इसे एनमल कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं RBC बनती हैं, तो ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। इसे बोन मैरो भी कहा जाता है, बोन मैरो में RBCs का प्रोडक्शन होता है। अगला जो पॉइंट है, बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा कौन करता है? तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, ये जो है शरीर की बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। अगला जो पॉइंट है, शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस जिस अंग से होता है वो है हाइपोथैलेमस। आपसे ऐसे सवाल पूछता है कि जो शरीर का जो ताप है वो कौन नियंत्रित करता है, तो आपको बताना है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है, तो ये नीला वेल यानी कि ब्लू वेल जो है वो सबसे बड़ी स्तनी है समुद्र की। अगला जो प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है, स्थलीय का मतलब है स्थल पर रहने वाला, तो ये अफ्रीकन हाथी जो है वो सबसे बड़ा जो है स्तनधारी है जो स्थल पर रहता है। अगला जो पॉइंट है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला जो पॉइंट है, सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। अगला जो पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो ये तंत्रिका कोशिका है। यानी कि तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, तो ये चीता है। चीता जो है संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। एकमात्र विषैली छिपकली है ये है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा जो है जो छिपकली होती है वो विषैली होती है, और यही एकमात्र है जो विषैली होती है। अगला जो पॉइंट है, सबसे अधिक विषैली मीन, मीन का मतलब है मछली कौन सी है, तो यह है स्टोन मीन। स्टोन मीन जो है सबसे अधिक विषैली मछली होती है। अगला जो पॉइंट है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, तो जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम फ्लोएम एक्चुअली में पी से होता है, लेकिन अगर आप एफ इसको समझें और एफ फॉर फूड समझें तो आप इसको याद कर सकते हैं। एफ एफ से जो है आप इसको याद कर सकते हैं कि फूड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह या ट्रांसमिशन होता है, तो वो फ्लोएम के थ्रू होता है। फ्लोएम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है पौधों में। अगला जो पॉइंट है, शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तत्व जो है कार्बन तत्व है। कार्बन तत्व जो है शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। और ये भी ध्यान दीजिए कि कार्बन तीन फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन कोल के फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, और डायमंड के फॉर्म में भी पाया जाता है। अगला पॉइंट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है जो जीवित होती है। अगला जो पॉइंट है, कीमोथेरेपी संबंधित है। कीमोथेरेपी किससे संबंधित है? तो ये कैंसर का इलाज से रिलेटेड है। कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी की जाती है। एथलीट फुट ये एक रोग होता है। एथलीट फुट वो किससे होता है? तो ये फंगस से होता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आपसे पूछा जाता है कि जो एथलीट फुट होता है वो किससे होता है, तो फंगस से होता है। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी क्या चीज़ लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। आपसे अगला पॉइंट पूछा है, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो एसिटिक अम्ल जो है इसको प्रयोग किया जाता है।
जो है खाद्य पदार्थों को खराब होने से रोकने के लिए। अगला जो पॉइंट है, कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे, तो रॉबर्ट हुक जो है कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे। सबसे पहले कोशिका शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया, रॉबर्ट हुक। दूध में युक्त प्रोटीन होता है, तो ये कैसीन होता है, कैसीन। ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो है दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये कैसीन प्रोटीन होता है। मधुमेह जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, वो किससे होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। अगला जो पॉइंट है, मूत्र में गंध होता है, तो ये अमोनिया के कारण होता है। अमोनिया के कारण जो मूत्र होता है उसमें गंध आती है। लार में उपयुक्त एंजाइम है, तो ये टॉयलिन जो है ये लार में उपयुक्त एंजाइम होता है, टॉयलिन। आयरन सर्वाधिक पाया जाता है, तो पालक के पत्ते में आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। आपसे अगला पॉइंट पूछा है, मिनामाता रोग जो होता है वो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। जल में जब मरकरी मिल जाती है, वही जल शरीर में जाता है, तो मिनामाता रोग होता है। ध्यान दीजिए, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिए। अगला जो पॉइंट है, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है, तो पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है वो है फफूंदी। फफूंदी लगती है जिससे ही जो जो पादप जितने भी ज़्यादातर जो पादप रोग हैं वो फफूंदी के चलते ही होते हैं। आपसे अगला पॉइंट पूछा है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ये दुग्ध विकास से संबंधित है, यानी कि दुग्ध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करना ऑपरेशन फ्लड का मेन जो है कॉज था, मेन कारण था ऑपरेशन फ्लड चलाने का, कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित हो सके। अगला जो पॉइंट है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग। सेलुलोज बना होता है, तो सेलुलोज जो है ग्लूकोज का बना होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो CO2 गैस है वो जो सन से हीट आती है उसको ट्रैप करती है और वातावरण के तापमान को बढ़ाती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मसूड़ों में खून आता है, तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है। विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में खून आता है, और आंवला सबसे अच्छा जो है स्रोत है विटामिन सी का। अगला जो पॉइंट है, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो होता है, तो जो होता है मतलब कवक से होता है, यानी कि पेनिसिलिन जो बनता है, जो एक प्रतिजैविक है, वो कवक से प्राप्त होता है। अगला जो पॉइंट है, एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है, तो एंजाइम जो है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोटीन। अगला जो पॉइंट है, पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है, तो जिस तरीके से जो जीवित प्राणी है उनके लिए प्राणदायिनी गैस O2 होती है, उसी तरीके से पौधों के लिए जो प्राणदायिनी गैस है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो निर्जीव होती है, निर्जीव। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कलर पौधों में जो फूल वगैरह होते हैं उनका जो कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट के चलते ही डिसाइड होता है। अगला जो पॉइंट है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो केवल जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, केवल जनन कोशिकाओं में। अगला जो पॉइंट है, लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं, तो इस समुद्र में पाए जाते हैं, लाल व भूरे शैवाल जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं। पनीर बनाने में काम आता है, तो एस्परलिज्म जो है, जो कवक होता है वो पनीर बनाने में काम आता है, यही क्या करता है, दूध को पनीर में कन्वर्ट करता है, एस्परलिज्म। अगला जो पॉइंट है, मनुष्य में दाद रोग होता है, तो दाद रोग किससे होता है, तो कवक के द्वारा होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे पूछा जा चुका है कि दाद रोग किससे होता है, तो ये कवक से होता है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है, तो एंटीबॉडीज के निर्माण में प्रोटीन सहायक है, प्रोटीन। नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है, तो यह है कैल्शियम। नाड़ियों को स्वस्थ रखता है और हृदय की धड़कन को सही से रखता है, सही से संचालित करता है, सुसंचालित करता है, वो कैल्शियम है जो ये काम करता है।
पित्तरस निकलता है, काफी बार आपसे पूछा जा चुका है, तो पित्तरस यकृत या लीवर से निकलता है। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक, हृदय से ध्यान दीजिए, हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं, तो इसे धमनी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आप इसको जो है बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये काफी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए आर्टरी होते हैं, जिसे धमनी कहते हैं, और विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाने को शिरा कहते हैं, जिसे वेन कहते हैं, और अगला ही पॉइंट हमने ये दे दिया है। तो ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगला जो है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। यही एक अंतर होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है, और जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आता है, तो फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा होता है, ये फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा ये काम किया जाता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धमनियों तथा शिराओं में पाया जाता है, तो क्रमशः शुद्ध रक्त तथा अशुद्ध रक्त, धमनियों में शुद्ध रक्त और शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ये ऊपर ही बताया जा चुका है। पौधों में जड़, फल व बीज का निर्माण होता है, तो ऑक्सीन पादप हार्मोन द्वारा होता है ये काम। जड़, फल व बीज का निर्माण जो होता है वो ऑक्सीन पादप हार्मोन के द्वारा ये काम किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, बीज रहित फल का निर्माण तथा तने और पत्तियों में वृद्धि का मुख्य कार्य है, तो जिब्रेलिन का, ये जो है जिब्रेलिन का मुख्य कार्य है, बीज रहित फल का निर्माण तथा तने और पत्तियों में वृद्धि का मुख्य कार्य जिब्रेलिन का है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य है, तो प्रोटीन संश्लेषण पौधों में और कोशिका वृद्धि का जो मुख्य कार्य कौन करता है, तो ये साइटोकाइनिन काम करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है जो ये सारा काम देखता है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि का मुख्य कार्य ये काम करता है। अगला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है, तो ये यूरेनॉल है। यूरेनॉल जो है वो दांत के दर्द को कम करता है, और ये जो लौंग का तेल है। अगला जो पॉइंट है, युगलीना एक प्रोटोजोआ है जिसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। युगलीना जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है, वो वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया, यानी कि वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया, तो ये लीनियस ने प्रस्तुत किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीनियस ने प्रस्तुत किया। अगला जो पॉइंट है, मानव प्रजाति को चार समूहों, ऑस्ट्रेलियाइड, निग्रोइड और कॉकेसॉइड एवं मंगोलॉयड में बांटा था, तो ये रोमनों ने इसको, ये चार जो है प्रजातियों में बांटा था, जो इस तरीके की ये चार प्रजातियां हैं। अगला जो पॉइंट है, वो रुधिर को चार वर्गों ए बी, ए बी और ओ में बांटा था, तो लैंड स्ट्रीनर ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रुधिर को चार वर्गों में बांटा हुआ है जो लैंड स्ट्रीनर ने बांटा। अगला जो पॉइंट है, सर्वदाता रुधिर कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वदाता जो है वो ओ है, ओ सभी को रक्त दान कर सकता है। सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है, ये सभी से रक्त को ले सकता है। अगला जो पॉइंट है, भैंस के दूध में वसा होती है, तो ये 2% की जो है वो वसा होती है भैंस के दूध में, मानो अपने रक्त का दान कर सकता है लगभग लगभग 10%, 10% रक्त को वो दान कर सकता है अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो। दूध का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। अगला जो पॉइंट है, एड्स बीमारी की जांच करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम बताइए, तो ये एलिसा टेस्ट है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एलिसा टेस्ट किया जाता है जिससे एड्स की बीमारी की जांच करने के लिए जो एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अगला जो पॉइंट है, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल्स जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने चुनाव किया था, तो मटर का इस्तेमाल किया था उन्होंने, मटर का चुनाव किया था। अगला जो पॉइंट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है तो 23 जोड़े और 46, कभी कभी 23 जोड़े भी ऑप्शन में आता है, तो 23 जोड़े या फिर 46 जो है गुणसूत्र होते हैं। अगला जो पॉइंट है, पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है तो फ्लोएम, ये पॉइंट ऊपर ही बताया जा चुका है और ये फिर से आ गया है, तो जो फूड बनता है वो फ्लोएम के द्वारा जो है बाकी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6। यहाँ पे जो बराबर में लिखा है ये थोड़ा सा गलत छपा है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ फॉर्मूला ये लिखा जाता है C6H12O6। अगला जो पॉइंट है, पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के चलते जो है पत्तियों का हरा रंग होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो 7% लगभग, मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के परसेंट के हिसाब से 7% होती है। बीसी का कब्र कहा जाता है तो यकृत, यकृत जो है बीसी का कब्र कहा जाता है। बीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। बीसी का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन होता है, और सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो है 120/80 होता है, 120/80। यहाँ पे बीसी का जीवन काल देखिए 2 RBC यहाँ पे होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, RBC है ये, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो यहाँ पे जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, यहाँ पे जो कब्र कहा गया है वो यकृत है, ये ठीक है। यहाँ पे RBC का जीवन काल जो है वो 20 से 120 दिन तक कहा गया है, और ये जो चीज़ लिखी हुई है ये थोड़ा सा गलत छप गई है, ये गलत लिखी हुई है, इसको आप हटा दीजिए। अगला जो पॉइंट है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है, ये बिल्कुल सही है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो हृदय की धड़कन धड़कन को जो नियंत्रित करता है वो थायरोक्सिन एवं एड्रेलिन जो है वो डिसाइड करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है ये थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन। अगला जो पॉइंट है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना कार्य होता है, तो ये किडनी का कार्य होता है। जब किडनी फेल हो जाती है, यानी कि अगर दोनों किडनियां फेल हो गई हैं, तो ये कार्य जो है मशीन्स करती हैं, और ये जो प्रोसेस होता है उसे डायलिसिस कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, कान में हड्डियों की संख्या होती है तो कान में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 6 होती है, 6। कपाल में जो हड्डियों की संख्या होती है, कपाल का मतलब सर, सर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 8। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्लैंड जो है उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, काफी बार आपसे पूछा जा चुका है। मनुष्य में बौनापन होता है तो STH जो हार्मोन होता है उसकी कमी के कारण मनुष्य में बौनापन हो जाता है। अगला जो पॉइंट है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है तो अवटु ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है तो घेंघा रोग है, ये घेंघा रोग जो है गले में बड़ा सा जो है निकल आता है, तो ये आयोडीन की कमी से ये घेंघा रोग हो जाता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो है जो अवरुद्ध होता है मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों अवरुद्ध हो जाता है बच्चों का। अगला जो पॉइंट है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो हीमोग्लोबिन द्वारा, शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे भागों तक, पूरे शरीर के सारे भागों तक ले जाता है। रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और आज का जो लास्ट पॉइंट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है कि पानी से जो डर होता है उसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, लगभग लगभग 100 पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है RRB, NTPC और RRC ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।